नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 अगस्त शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पैर में चोट लगने के बाद सीएम अशोक गहलोत शनिवार को पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। उन्होंने सवाई मानसिंह स्टेडियम से शहरी और ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत की। यहां प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की 11,252 पंचायतों और 535 नगर निकाय में वर्चुअल ओलंपिक की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ खेल मंत्री अशोक चांदना और राजस्थान कैबिनेट के नेता मौजूद रहे। इससे पहले खेल मंत्री अशोक चांदना ने बताया कि 5 अगस्त से 18 सितंबर तक आयोजित होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों में 7-7 खेल प्रतियोगिता आयोजित होगी। चांदना ने कहा कि इस अनूठे आयोजन का मकसद राजस्थानियों को फिट और हिट रखना है, जिसमें राजस्थान के हर गली मोहल्ले गांव कस्बे और शहर के खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि देश के 95 जिले 5 लाख से कम आबादी वाले हैं। मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग 7,70,000 है, वहाँ 53 जिले हैं। छत्तीसगढ़ में 2,56,000 की जनसंख्या पर 33 जिले हैं। हमने 4 वर्ष में 1,284 नए राजस्व गांव, 96 पटवार मंडल, 32 भू अभिलेख निरीक्षक सर्किल, 125 उप तहसील, 85 तहसील, 35 उपखंड कार्यालय, 13 एडीएम कार्यालय एवं 1 सहायक कलेक्टर कार्यालय खोले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए जिले में विभिन्न पदों के लिए भर्तियाँ होंगी। RAS से IAS में प्रमोशन से भी पूर्ति होगी। जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। नगर निगम के पूर्व अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र वर्मा द्वारा दर्ज FIR का मामला खत्म भी नहीं हुआ था। अब उनके पति सुशील गुर्जर को ACB ने 2 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद मेयर मुनीश गुर्जर की कुर्सी खतरे में आ गई है। मंत्री खाचरियावास ने कहा, मुनीश गुर्जर के काम को लेकर मैं खुश नहीं था। मैंने विधायक रफीक खान और अमीन कागजी तीनों ने, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से कहा था, आप इन्हें बर्खास्त कर दीजिए क्योंकि मैं करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हमने मुनीश को इसलिए मेयर थोड़ी बनाया था कि उनके घर पर ही पट्टे के लिए गरीब लोगों से रिश्वत ली जाए, अब तो अति हो गई है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। करौली और भरतपुर में 1 से लेकर 3 इंच तक पानी बरसा। करौली में तेज बारिश के कारण शहर में कई जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली। पूर्वी राजस्थान में रात से रुक रुक कर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखें तो सबसे ज़्यादा 85 mm बरसात करौली जिले में हुई। करौली के ही श्री महावीर जी में 65, मासलपुर में 45, भरतपुर के बयाना में 44, वैर में 43, रूपवास में 37 mm बारिश हुई है। तेज बारिश के कारण करौली शहर में कई जगह जल भराव हो गया। दौसा, अलवर, बारा, जयपुर, झालावाड़ और सवाई माधोपुर में भी अच्छी बारिश हुई। पुलिस कर्मियों के लिए साइकिल भत्ते में की गई वृद्धि को जिस उत्साहजनक तरीके से प्रचारित किया गया, खुद पुलिसकर्मी इसी गति से इसका जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक का कारण यह है कि भरतपुर जिले में आज तक कोई ऐसा पुलिसकर्मी नहीं है जो साइकिल चलाता हो। भत्ते में बढ़ोतरी कर 50 रुपये से 150 रुपये करके सरकार, क्या आपने जवानों को आज भी इस तकनीक के युग में साइकिल पर बदमाशों का पीछा करता हुआ देखना चाहती है? जिले के विभिन्न थानों, चौकियों और ऑफिस के लिए कुल 256 कांस्टेबल को भत्ता दिया जाना प्रस्तावित है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जयपुर हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनीश गुर्जर के घर पर छापा मारा। टीम ने मेयर के पति सुशील गुर्जर और 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। सुशील पर पट्टे बनाने की एवज में 2 लाख रुपए की घूस मांगने का आरोप है। मेयर के घर सर्च में 40 लाख रुपए नकद मिले हैं, जिन्हें गिनने के लिए नोट गिनने की मशीन मंगवाई गई है। इसके साथ ही एक दलाल के घर भी 8 लाख नकद बरामद हुए हैं। मामले में मेयर की भूमिका को लेकर भी ACB जांच कर रही है। हेरिटेज निगम में कांग्रेस का बोर्ड और मेयर है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत अप्रैल में हुई RKSMB के आंकलन में एक कक्षा में सभी 15 प्रश्नों के उत्तर समान मिलने पर संस्था प्रधानों को नोटिस दिए गए हैं। उन्हें 7 दिन में नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त निदेशक बीकानेर रचना भाटिया ने संस्था प्रधानों को भेजे कारण बताओ नोटिस में कहा है कि परिणामों का ऐप के माध्यम से विश्लेषण करने पर पता चला कि एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने 15 प्रश्नों के उत्तर में समान विकल्प चुने हैं। देश की तीनों सेनाओं में 11,414 महिलाएं हैं। रक्षा राज्य मंत्री
अजय भट्ट ने शुक्रवार को लोकसभा में सवाल के जवाब में ये जानकारी दी है। इनमें तीनों सेनाओं में अधिकारी, अन्य रैंक मेडिकल, डेंटल और नर्स शामिल हैं। मेडिकल, डेंटल और नर्स को हटाने के बाद तीनों सेनाओं में 4948 महिलाएं हैं। सबसे ज़्यादा 7054 महिलाएं थल सेना में हैं। 1733 अधिकारी हैं और 100 अन्य रैंक पर हैं। वायुसेना में 1654 अधिकारी और 155 अग्निवीर वायु हैं। जैसलमेर एयरपोर्ट पर इस साल इंडिगो हवाई कंपनी की भी सेवाएं मिलने लगेंगी। इंडिगो कंपनी की टीम ने हाल ही में जैसलमेर एयरपोर्ट का विजिट किया था। इस विजिट में उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से मुलाकात कर कई सुविधाओं के बारे में डिमांड की है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी इंडिगो कंपनी को लिखित में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर आश्वस्त कर दिया है। ऐसे में अब इंडिगो कंपनी भी अपनी हवाई सेवाएं अक्टूबर महीने से जैसलमेर से शुरू कर सकती है। जैसलमेर एयरपोर्ट से हर साल स्पाइसजेट व अलायंस एयर हवाई सेवाएं उपलब्ध करवाती है। उदयपुर में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से फतेह सागर झील पर वेटलैंड की पाबंदियां लागू किए जाने के आदेश के बाद अब राजस्थान झील विकास प्राधिकरण ने भी सख्ती दिखाई है। प्राधिकरण ने झीलों की सुरक्षा और नावों की संख्या कम करने के लिए तैयार की गई तत्कालीन कलेक्टर ताराचंद मीणा की कमेटी की रिपोर्ट का अधूरा बताते हुए लौटा दिया है। अब एक माह में नाव संचालन नीति में संशोधित ड्राफ्ट प्रस्तुत करने को कहा है ताकि नावों की संख्या और कम की जा सके। इसके अलावा झीलों में प्रदूषण रोकने और सीएनजी, सोलर ऊर्जा और बैटरी संचालित नावों को प्रोत्साहन देने के निर्देश भी दिए गए हैं। रिपोर्ट एक माह में भेजनी होगी। इग्नू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। इसके तहत यूनिवर्सिटी ने अपने वर्तमान स्टूडेंट्स और पूर्व स्टूडेंट्स से बेस्ट इनोवेशन अवार्ड 2023 के लिए आवेदन मांगे हैं। इस अवार्ड के लिए इग्नू के बोनाफाइड स्टूडेंट्स जिनके पास योग्य रजिस्ट्रेशन हो और इनोवेशन के क्षेत्र में काम किया हो तो इस अवार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। बेस्ट 3 एंट्रीज को 95,000 से लेकर 10,000 तक का कैश इनाम, सर्टिफिकेट और ट्रॉफी दी जाएगी। इससे जोधपुर के युवाओं को भी लाभ होगा। अजमेर में 20 से ज़्यादा मूर्तिकार इस बार इको फ्रेंडली गणेश जी तैयार कर रहे हैं। गोबर से भी गणेश जी की मूर्तियां तैयार की जाएंगी। मूर्तिकारों ने शहरवासियों से अपील की है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां कम से कम खरीदें। विसर्जन के समय ये मूर्तियां नदियों, तालाबों, सरोवर सहित अन्य जल स्रोतों में गलती नहीं है, इससे प्रदूषण फैलता है। श्रृंगार के लिए बना रहे पोशाक, मुकुट और आभूषण 10 दिवसीय गणेश महोत्सव के लिए भगवान गणेश के श्रृंगार के लिए बाजारों में एक से बढ़कर एक पोशाक, मुकुट और तरह तरह के जेवरात उपलब्ध हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं शनिवार को पूरी हो जाएंगी। बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जल्द जारी करेगा। इसके लिए उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य शुरू कराया गया है। पूरक परीक्षा के दूसरे दिन भी अजमेर के 2 परीक्षा केंद्रों सहित प्रदेश के 203 केंद्रों पर 10वीं और 12वीं के पेपर हुए। राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर केंद्र पर परीक्षा पेपर छूटने से पहले भीड़ लगी नजर आई। ऐसा ही नज़ारा तोपदड़ा स्कूल के बाहर भी देखने को मिला। सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सफारी पर आने वाले पर्यटकों के लिए खास पहचान रखने वाली जिप्सी अब बीती यादें रह जाएंगी। साल 2026 में रणथंभौर जिप्सी रहित हो जाएगा। रणथंभौर में जिप्सी की जगह जिम्मी लेने जा रही है। दरअसल NTCA ने इसे लेकर कवायद शुरू कर दी है। इस बारे में हाल ही में NTCA ने देश भर के टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को एक पत्र लिखकर उनसे संबंधित टाइगर रिजर्व में अनुमानित जिप्सियों की आवश्यकता के आंकड़े मांगे थे। दरअसल वाहन निर्माता कंपनी मारुति ने साल 2016 में जिप्सी बनाना बंद कर दिया था। वर्तमान में रणथंभौर में 269 जिप्सी संचालित हैं। बाड़मेर SP ने एक आदेश जारी करते हुए CI व SI के ट्रांसफर किए हैं। पुलिस लाइन से CI लेखरा सिहाग को पचपदरा थानाधिकारी के पद पर लगाया गया है। पचपदरा में थानाधिकारी का पद राजेंद्र सिंह चौरण का ट्रांसफर होने के बाद से रिक्त था। वहीं 2 SI को चौकी की कमान सौंपी गई है। SP दिगंत आनंद ने पुलिस लाइन और हाल ही में अन्य जिलों से आए 6 CI और 20 SI को फील्ड पोस्टिंग दी है। 13 SI को ट्रैफिक सहित थानों का प्रभारी बनाया गया है। वहीं 6 थानों में CI लगाए गए हैं। वहीं SP ने सिवाना थानाधिकारी CI नाथु सिंह को बायतू और थानाधिकारी SI बलदेव राम को लाइन हाजिर किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।